मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्टेडियम में झंडोत्तोलन किया गया। मुजफ्फरपुर के प्रभारी मंत्री श्याम रजक ने झंडोत्तोलन किया। इसके साथ ही सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया गया। तिरंगा फहराने के बाद समाज को जागरूक करने के लिए तरह तरह की स्टेडियम में झांकियां भी निकाली गई। झंडा फहराने के दौरान सिकंदरपुर स्टेडियम में मंत्री, सांसद, डीएम, मेयर, एसएसपी, सिटी एसपी सहित कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इनका इसका कमांड सीता कुमारी के हाथों में है। प्लाटून नंबर 12 राजकीय अंबेडकर आवासीय बालिका उच्च विद्यालय रजवाड़ा मुजफ्फरपुर, इसका नेतृत्व रानी कुमारी कर रही है। प्लाटून नंबर 13 भारत साउथ गाइड, इसका नेतृत्व तंदू शर्मा कर रही है। प्लाटून नंबर 14 भारत साउथ गाइड बालक, इसका नेतृत्व मोहम्मद ताहिर कर रहे हैं। 15 नंबर की जबकि प्रॉपर्टी बैंक की झांकी है, जिसमें चलत एटीएम बैंक को दिखाया गया है। 14 देहात में इस बैंक के माध्यम से पैसे की निकासी हेतु घोषणाओं को सुविधा दी जा रही है। सहायता की गई है। अच्छा स्लोगन है, आगे ले जाए।
Thank you.
छठे नंबर पे कौन सी है? मझीराम सिंह की पत्नी श्रीमती परमेश्वरी के लिए है। झांकी कतार और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी को पर्व सभी यादों को समेटे हुए तो अमर शहीद के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देशभक्ति की तपस्या बलिदान की इतिहास भारत के कोई पग पग में अंकित है। लंबे संघर्ष के बाद भारत स्वतंत्रता सेनानियों ने अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी दिलाई और आजादी के बाद लगभग 2.5 साल के बाद 26 जनवरी 1950 में देश ने अपना संविधान लागू कर दिया। भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक राज्य के रूप में घोषित कर दिया। आज हम देश के सभी महापुरुषों को सादर नमन करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में मुजफ्फरपुर के स्वतंत्रता सेनानियों की अहम भूमिका रही है। 1930 के नमक आंदोलन से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय तक बड़ा यहाँ के क्रांतिकारियों के कदम आगे बढ़ते रहे। मैं मुजफ्फरपुर जिला के स्वतंत्रता सेनानियों का भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। आज हमारे बीच जिले के स्वतंत्रता सेनानी सरदे श्री बैद्यनाथ प्रसाद सिंह, श्री अर्जुन सिंह, श्री कामेश्वर झा, श्री हनुमान राय, श्री टुटकुल सिंह परमार, श्री द्वारका प्रसाद, श्री रंजीत सिंह, श्री सूर्य नारायण शर्मा, श्री राम संजीवन ठाकुर उपस्थित है। मैं इन्हें चरणों में सादर नमन करता हूँ। आज इस समारोह में उपस्थित सभी नागरिक माताओं, बहनों, बालिका बालिकाओं, सभी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों, सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधियों, न्यायपालिका से जुड़े हुए माननीय न्यायाधीश, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी, पुलिस बल, सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुजफ्फरपुर जिला गंगा जमुनी संस्कृति का एक बेहतर उदाहरण रहा है। मुजफ्फरपुर को
इस्लामी, जैन और हिंदू सभ्यताओं के मिलन स्थली के रूप में देखा जाता रहा है। दोनों सभ्यताओं को रंग यहाँ गहरे मिले हुए हैं और यही क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान भी है। आज इस पावन अवसर पर मुझे ये कहते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि हमारा मुजफ्फरपुर जिला देश और राज्य के विकास के साथ कदम से कदम मिलाते हुए समग्र विकास की ओर अग्रसर, समावेशी विकास की नीति के तहत सरकार के पहल पर चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोक कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में सदैव अग्रसर रहा है। जिला प्रशासन द्वारा बिजली व्यवस्था के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत रहकर अपने अमन चैन बनाए रखने में साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव और सौहार्द कायम किया गया है। पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, स्पीड ट्रायल कराया जा रहा है। सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान जल जीवन हरियाली का धरातल को उतारने को लेकर सरकार द्वारा हर संभव प्रयास और संबंधित निर्धारण लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में विभिन्न विभागों द्वारा तेजी से कार्य किया जा रहा है। इन विभागों द्वारा मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत उक्त अभियान के तहत सुदूर संवेदन से प्राप्त लगभग 11,068 कुओं का सर्वे किया जा गया है, जिसमें 3,957 का सर्वे कर लिया गया है। वर्षघाट है और गणतंत्र की याद आने के लिए और उस पर अमल करने के लिए आज का दिन बड़ा पुनीत दिवस है। जहाँ हम राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं वही इस बात का भी संकल्प लेते हैं कि हम लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कदम उपक्रम खड़ा रहे। मुजफ्फरपुर में भी झांकी अच्छी खासी निकाली गई, इस पर क्या कहें? तो हर जिले में निकलता है, यहाँ भी, यहाँ DM साहब ने और सारा जिला प्रशासन अपने मिलकर के इसका आयोजन किया है। बड़ा ये उत्तम है, अद्भुत है, प्रशंसनीय है। धन्यवाद। चलिए, लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।